अच्छा, तो वेब क्रॉलिंग और सर्च इंजन इस सेशन का जो है टॉपिक है हमारा, और हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम डेटा कलेक्शन और इंजीनियरिंग देखेंगे, जो जो प्रैक्टिसेस शॉप्सी में फॉलो की जाती हैं। देन शॉप्सी का जो एआई है, इस पूरे सर्च इंजन के पीछे जो एआई चल रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम वेब क्रॉलिंग और स्क्रैपिंग की कुछ बेसिक्स को देखेंगे। फिर उसके बाद हम वेब स्क्रैपिंग एट स्केल, एट लार्ज स्केल, जब आप एक बड़े स्केल पर वेब स्क्रैपिंग करते हैं तो उसके चैलेंजेस क्या होते हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द यूज़ केस किस तरह के जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो हमें चूज़ करने चाहिए। देन फाइनली हम शॉप्सी सर्च इंजन को देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो है वो मैं दोबारा देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम जो है फराज खालिद है। करेंटली मैं शॉप्सी डॉट पी के में एज अ हेड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्व कर रहा हूँ, एंड आई एम वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ शॉप्सी डॉट पी के। यहाँ मेनली जो काम है वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है, और एल्गोरिथम डिज़ाइन और कंकरेंट रिक्वेस्ट, स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखी जाती हैं मेरे डिपार्टमेंट में। इससे पहले जो है मैं टीपीएल मैप्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हेड कर रहा था। वहाँ पर जिन टेक्नोलॉजीज पे मैं काम कर रहा था वो सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग थी, उसमें स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजीज थी, और 3D रिकंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि ड्रोन इमेजरी से, जो मल्टी व्यू ड्रोन इमेजरी होती है उससे आप एक पॉइंट क्लाउड जनरेट करके आप 3D मॉडल्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। आई थिंक ये इंट्रोडक्शन मेरा तो काफ़ी है। अब हम शॉप्सी के बारे में बात करते हैं। शॉप्सी अगर मैं आपको सिर्फ एक स्लाइड में ये समझाना चाहूँ कि व्हाट शॉप्सी इज डूइंग एंड शॉप्सी का शॉप्सी काम कैसे करता है, दिस इज द स्लाइड जो कि आपको एक्सप्लेन करेगी कि शॉप्सी काम के क्या काम करता है। एक्चुअली इट फाइंड्स द बेस्ट प्राइजेस बिफोर यू बाय, यानी पाकिस्तान में सारे ऑनलाइन स्टोर्स, ऑलमोस्ट ऑल द ऑनलाइन स्टोर्स, उनसे शॉप्सी जो है वो डेटा सिंक करता है और आपको मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्चेबल प्रोडक्ट्स जो है वो शॉप्सी पे मिलती हैं, और यू कैन फाइंड द बेस्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। और 3 सालों में, पिछले 3 सालों में शॉप्सी हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान। करेंटली शॉप्सी के जो मंथली यूजर्स हैं वो 1.2 मिलियन है ऑलमोस्ट, और जो शॉप्सी का इन्वेंट्री साइज है इट इज़ 8.5 मिलियन प्लस, विच मेक्स इट द लार्जेस्ट इन्वेंट्री इन पाकिस्तान। और इस यानी शॉप्सी का जो एक प्रॉब्लम है, व्हेन वी एड्रेस द प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल लगता है पर इसके पीछे काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज और काफ़ी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स हैं जो कि ये आपको बेस्ट प्राइस फाइंड करने में हेल्प करते हैं। तो बिफोर वी जंप इन टू द डिटेल्स, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा यहाँ पर जो डाटा कलेक्शन और इंजीनियरिंग होती है उसके बारे में। एज हुजैफा टोल्ड अस कि आप लोगों को वेब स्क्रैपिंग का और
डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे मैनेज करना होता है इसका ऑलरेडी कुछ आइडिया है। शॉप्सी जब डेटा कलेक्ट करता है तो शॉप्सी बहुत सारे बॉट्स प्रोग्राम करता है। करंटली इट हैज़ हंड्रेड्स ऑफ बॉट्स दैट आर प्रोग्राम टू क्रॉल डिफरेंट वेबसाइट्स। अब वहाँ वेबसाइट्स जो हैं उनसे सारा डेटा जो है वो नाइटली एवरी डे वो क्रॉल होता रहता है। तकरीबन 380+ ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो कि हर रोज़ स्क्रैप किए जाते हैं, और तकरीबन 8.5 मिलियन सर्चेबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि शॉपसी के इंडेक्स में करंटली हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें इन सारी टू हैंडल दिस अमाउंट ऑफ डेटा और दिस अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट, तो आपको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जो कि इतना ह्यूज डाटा मैनेज कर सके और इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट को सर्व कर सके। तो इसके लिए कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और डेफिनेटली मेमोरी साइज भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव जैगरी। जैगरी इज द नेम ऑफ आवर ओन क्लाउड सॉल्यूशन, और जेगरी की जो पावर है इट हैज़ 120 VCPUs, 64 GB ऑफ रैम एंड मल्टीपल GPUs एज वेल। तो ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि किस तरह की कंप्यूटेशन पावर जो है वो रिक्वायर्ड होती है इतने ह्यूज डाटा को प्रोसेस करने के लिए और इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एआई बिहाइंड शॉपसी। जो कोर एआई है शॉपसी का, उसका वी नेम्ड इट एथेना। बेसिकली जो ये एआई है इसका काम जो है वो डेटा की क्लासिफिकेशन होता है। यानी डेटा आप क्रॉल तो कर लेते हैं, यानी ई कॉमर्स डेटा आपने क्रॉल कर लिया, यू हैव स्क्रेप द टाइटल्स एंड प्राइजेस, और आपने जो भी उसके रिलेटेड टैग्स थे वो आपने स्क्रेप तो कर लिए, बट वो डेटा जो है कितना मीनिंगफुल है और उसको हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए किसी तरह की कोई मशीन लर्निंग या एआई टेक्निक चाहिए। दिस इज डिज़ाइन फॉर दैट पर्पस। तो इट इज़ ट्रेंड ऑन मिलियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग प्रोडक्ट्स। As I have told you, Shopsy has almost 8.5 million products. The last time it was trained, तो उस वक्त जो इंडेक्स साइज था वो तकरीबन 5.5 मिलियन था। तो ये AI ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेन हुआ है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये कम्प्लीटली अनसुपरवाइज्ड है। इट्स NLP बेस्ड एंड इट्स कम्प्लीटली अनसुपरवाइज्ड। वेल, जब हम कम्प्लीटली अनसुपरवाइज्ड AI की बात करते हैं तो मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। अब क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जो है, जब आप स्मॉल डेटा साइज और लो डायमेंशंस में जब आप क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं तो वो काफ़ी ईजी होता है, बट जब डेटा साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी डेटा डायमेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक इमेजिन मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स एंड 100+ डायमेंशंस ऑफ ईच डेटा पॉइंट, तो यहाँ पर इतने ह्यूज डेटा पे एक अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम डिज़ाइन करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लाइक मशीन लर्निंग और एआई की वर्ल्ड में एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। यानी जब आपका डेटा सेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप डेटा को हाई डायमेंशनल स्पेस के अंदर बहुत इजीली प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कंप्यूटेशनल लिमिट होती है और मेमोरी लिमिट भी होती है, और डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, जो कि आपको इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग ए न्यूरल नेटवर्क तो आपको एक बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क चाहिए होता है,
और यानी अनसुपरवाइज तरीके से इतने ह्यूज डाटा को प्रोसेस करना एक मुश्किल काम है। बट शॉप्सी का जो एआई है यहाँ पर, इट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स करंटली एनालाइज द डाटा इन 100+ डायमेंशन, ताकि वो डाटा में मौजूद इंटरनल पैटर्न्स निकाल सके। इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, आप इमेजिन करें कि एक छोटा सा एक बच्चा है जिसको आप एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करने के लिए भेजते हैं, और वो बच्चा जो है वो कुछ पैटर्न्स देखता है बाहर जाके वर्ल्ड में, और वो पैटर्न इस तरह के होते हैं कि उसने एक ब्राउन कलर का एक स्टॉक देखा बड़ा सा खड़ा हुआ, उसके ऊपर कुछ ग्रीन्स कलर के कुछ छोटे छोटे पैटर्न्स थे, तो उसने ये पैटर्न लर्न करना स्टार्ट कर दिया। अब इस पैटर्न को जब उसने लर्न किया तो उसको समझ आया कि अच्छा, एक शेप होती है जो ऐसे दरख्त की तरह की होती है। उसने डाटा को क्लस्टर करना स्टार्ट कर दिया। इट कैन नॉट गिव गिव द नेम ऑफ दैट क्लस्टर, बट वो डाटा के इंटरनल पैटर्न्स पे डाटा को क्लस्टर जरूर कर सकता है। वो नाम तो नहीं दे सकता, बट क्लस्टर जरूर कर सकता है डाटा के इंटरनल पैटर्न्स पे। अब डाटा के इंटरनल पैटर्न्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा डायमेंशंस में जाके आपको इस तरह की चीज़ें निकालनी पड़ेंगी जिससे आप डाटा के इंटरनल पैटर्न्स को क्लासिफाई कर सकें। तो जो शॉप्सी का कोर एआई है वो भी इसी तरह काम करता है, बहुत ज़्यादा हाई डायमेंशनल स्पेस में चीज़ों को एनालाइज करता है। एंड द पावर इज कि वो एक हाई डायमेंशनल स्पेस को, एक हाई डायमेंशनल स्पेस में से इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस को ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करता है, और जिसको हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक्स कहते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स हैं जो कि शॉप्सी के एआई में हैं, और उनको फिर डायमेंशनलिटी रिड्यूस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उससे क्लस्टरिंग की जाती है। और इट कैन क्लासिफाई डेटा इन 50+ शॉपिंग कैटेगरीज। करंटली 50+ शॉपिंग कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ये ऑटोमेटिकली डेटा को क्लस्टर कर लेता, और समटाइम्स वो कैटेगरीज और क्लस्टर्स जो बनाता है उनको बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स और मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड द कोरिलेशन ऑफ वर्ड्स वो क्लस्टर्स को खुद नाम भी दे देता है। बट समटाइम्स वो जब कोई नया क्लस्टर बनाता है, उसको कुछ नए डाटा पैटर्न्स मिलते हैं, तो इट कैन नॉट गिव इट अ नेम, बट फिर उसके लिए एक ह्यूमन सुपरविजन चाहिए होती है जिससे हम उस कैटेगरी या क्लस्टर को नाम देते हैं कि ये पर्टिकुलर क्लस्टर इस चीज़ का है। तो इट्स हाईली स्केलेबल। अनसुपरवाइज्ड एआई के अंदर जाने की वजह ही ये है कि जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो एनोटेशन कॉस्ट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, डेटा लेबलिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल काम होता है हर तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए। तो एक अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग टेक्निक जो है वो ज़रूरी है एक बड़े डेटा सेट को हैंडल करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए। करंटली जो एआई की एक्यूरेसी है वो अबव 90% है। इट हैज़ बीन ट्रेन्ड ऑन 5.5 मिलियन प्रोडक्ट्स, और ये जो मैं आपको एक्यूरेसी बता रहा हूँ ये अनसीन डेटा यानी कि न्यू वर्ल्ड डेटा जो होता है उसके ऊपर एक्यूरेसी है इसकी। दैट वाज ऑल अबाउट द कोर एआई ऑफ शॉप्सी। अब जब ये एआई डिज़ाइन करने के लिए हमें डेटा तो रिक्वायर्ड होता है, एआई डिज़ाइन होगी जब हमारे पास डेटा आएगा। अब डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें स्क्रैपिंग करनी पड़ती है। अब स्क्रैपिंग की जो बेसिक्स हैं उनके अंदर कुछ बेसिक टूल्स हैं जिनसे आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे। उनमें से एक जो है वो सिलेनियम है। ज़्यादातर लोग जो वेब क्रॉलिंग और स्क्रैपिंग की तरफ आते हैं वो सिलेनियम से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी टूल है।
बट सिलेनियम का एक वीक पॉइंट ये है कि सिलेनियम जो है वो वेब स्क्रैपिंग के लिए डिजाइन नहीं है। सिलेनियम जो है वो एक वेबसाइट ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है, ये स्क्रैपिंग के लिए डिजाइन नहीं है, इसीलिए ये काफी स्लो भी है। यानी जब आपको एक बहुत लार्ज स्केल पे स्क्रैपिंग करनी होती है तो सिलेनियम इज नॉट अ गुड ऑप्शन। एक और प्लस पॉइंट जो सिलेनियम का है वो ये है कि इट कैन हैंडल जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट्स। यानी आपको आप कोई जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट अगर क्रॉल कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि आप उसको पहले रेंडर करें ताकि आपको HTML उसका मिल सके। तो सिलेनियम जो है वो इसको ऑटोमेटिकली कर लेता है, तो ये एक काफ़ी प्लस पॉइंट है सिलेनियम का। बट जब हम एक लार्ज स्केल वेब्स क्रॉलिंग और स्क्रैपिंग की बात करते हैं तो सिलेनियम इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। फिर उसके बाद ब्यूटीफुल सूप है। ब्यूटीफुल सूप इज अनदर लाइब्रेरी जो कि पाइथन की है और ये काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है और काफ़ी स्टेबल है। बट अगेन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अगेन ये इतना फास्ट नहीं है और डेटा को बहुत लार्ज स्केल पे प्रोसेस करना काफ़ी मुश्किल होता है इसमें। फिर एक और टूल है जो कि स्क्रैपिंग और क्रॉलिंग के अंदर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, विच इज़ एलेक्सएमएल टूल किट। एलेक्सएमएल टूल किट जो है वो एक्चुअली डोम ट्री जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप HTML को देखें तो HTML एक ट्री स्ट्रक्चर ही होता है। तो डोम ट्री जो है वो बेसिकली डोम इज स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये जो HTML होता है उसको डिफरेंट नोड्स में ब्रेक करके एक ट्री की फॉर्म जनरेट करता है, जिससे हमारी प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी इजी हो जाती है। यानी पार्सिंग और जो HTML आपने डाउनलोड किया होगा जब आप किसी URL को स्क्रैप करने लगेंगे, तो उस HTML को डोम ट्री में कन्वर्ट करने के बाद ये सारी प्रोसेसिंग करना काफ़ी इजी होता है। देन फाइनली देर इज़ अ टूल कॉल्ड स्क्रेपी, एंड स्क्रेपी इज अ होल वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। स्क्रेपी के अंदर ये सारे काम बहुत इजी हैं। स्क्रेपी को प्रोग्राम करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्क्रेपी इज अ वेरी पावरफुल टूल एंड इट्स रिडिकुलसली फास्ट। लाइक जब लोग सिलेनियम और ब्यूटीफुल सूप से स्क्रैपिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको जब वो स्क्रैपिंग पे मूव करते हैं उसके बाद तो उनको एग्जैक्टली ऐसे ही फील होता है जैसे वो मेहरान से उठ के बुगाटी पे आ गए, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल और बहुत फास्ट लाइब्रेरी है और स्क्रैपी एक्चुअली डिजाइन है इस पर्पज के लिए, लार्ज स्केल स्क्रैपिंग के लिए डिजाइन है। अच्छा, स्क्रैपी जो है वो एक वीक पॉइंट ये है कि स्क्रैपी बाय इटसेल्फ जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट्स को हैंडल नहीं करता। उसके लिए आपको कुछ हेडलेस ब्राउजर्स चाहिए होते हैं। स्प्लैश इज वन ऑफ देम। स्प्लैश इज अ गुड स्टैंड अलोन ब्राउजर जो कि हेडलेस ब्राउजर है। आपको HTML यानी जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट को रेंडर करके HTML देता है। उसके बाद स्क्रेपी के साथ उसकी इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है। अच्छा, ये तो था टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि वेब क्रॉलिंग और स्क्रेपिंग जब आप करते हैं और आप एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट इज यू नीड अ CDURL, और फिर उसके बाद आपके पास एक डाउनलोडर होता है, डाउनलोडर ब्लॉक होता है। फिर उसके बाद आपके पास एक पार्सर होता है जो कि HTML को पार्स करता है, और फिर आपको एक डोम ट्री चाहिए होता है ताकि आप उस पार्स्ड HTML को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकें। फिर उसके बाद आपको क्रॉलिंग और डेटा एक्सट्रैक्शन पॉलिसीज चाहिए होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्रॉलिंग और डाटा एक्सट्रैक्शन के लिए, क्योंकि जब आप एक URL को स्क्रेप करना स्टार्ट करते हैं या क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स होते हैं एंड बहुत ज़्यादा डेटा वहाँ पर मौजूद होता है जो कि यूजलेस भी होता है समटाइम्स और हमारी रिक्वायरमेंट के
रिकॉर्डिंग नहीं होता, तो इस तरह के डेटा को डिस्कार्ड करने के लिए और इस तरह के लिंक्स को डिस्कार्ड करने के लिए हमें कुछ क्रॉलिंग और डेटा एक्सट्रैक्शन पॉलिसीज चाहिए होती हैं। टू जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट द फ्लो ऑफ दिस सिस्टम, मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो जो सिस्टम डिज़ाइन होता है उसके अंदर आपका एक सी डी यू आर एल एक डाउनलोडर को जाता है, फिर एक एच टी एम एल पार्सर होता है, एंड देन इट फीड्स द एच टी एम एल पार्सर टू अ डॉम ट्री जनरेटर। अच्छा, अब डाउनलोडर जो होता है वो साथ ही आपके पास एक लिस्ट मेंटेन कर रहा होता है जिसके अंदर वो सारी यू आर एल लिस्ट कर रहा होता है जो वो ऑलरेडी क्रॉल कर चुका है। ये इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि आप रिविजिट करने से रोकेंगे क्रॉलर को, एंड यू डोंट वांट योर सिस्टम टू क्रॉल द सेम यूआरएल अगेन एंड अगेन। तो इसके लिए ये लिस्ट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद जब डोम ट्री से एक ट्री जनरेट हो जाता है जो कि ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, इस ऑब्जेक्ट मॉडल को दो फर्दर ब्लॉक्स में आगे फॉरवर्ड किया जाता है। उनमें से एक ब्लॉक जो है वो नोड सेलेक्टर होता है। नोड सेलेक्टर यानी अगर मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद डिटेल में समझाऊँ तो डोम ट्री जो है वो इसी तरह होता है जैसे एच टी एम एल है। एच टी एम एल के अंदर एक प्राइमरी टैग होता है एच टी एम एल का, फिर उसके अंदर एक बॉडी होती है, फिर हेडर होता है, और उसके अंदर फिर मुख्तलिफ डिव्स होती हैं, और फिर डिव्स के मज़ीद चिल्ड्रन होते हैं। तो जो डोम ट्री है वो इन सारी HTML टैग्स को डिफरेंट नोड्स में ब्रेक कर लेता है, और फिर वो ये सारे नोड्स एक नोड सेलेक्टर को भेजता है। अब नोड सेलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये डिफाइन करें कि कौन सा नोड सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सा डिस्कार्ड करना चाहिए। ये करने के लिए आपको नोड सेलेक्शन पॉलिसीज चाहिए होती हैं। अगर आप लोगों ने कुछ स्क्रैपिंग ऑलरेडी की हुई है पहले, तो कुछ XPath या CSS पाथ्स होते हैं जो कि आप डिफाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ जिसके अंदर मेरा रिक्वायर्ड डेटा मौजूद है। और डोम ट्री जो है वो अगेन एक लिंक एक्सट्रैक्टर को भी डेटा पास कर रहा होता है। अब लिंक एक्सट्रैक्टर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पर्टिकुलर लिंक्स एक्सट्रैक्ट करें जिसके अंदर पोटेंशियली हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या डेटा मौजूद होगा। समटाइम्स कुछ यूआरएल पैटर्न से हम ये पता कर सकते हैं कि हम कि किसी पर्टिकुलर यूआरएल में हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी या नहीं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट्स वहाँ पर एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक डोमेन नेम होता है और उसके बाद डोमेन नेम स्लैश कुछ कैटेगरी नेम होता है, फिर स्लैश प्रोडक्ट होता है। तो अब ये एक यूआरएल पैटर्न है जिससे आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये पर्टिकुलर यूआरएल जो है ये प्रोडक्ट पेज को डायरेक्ट कर रहा होता है, तो यहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सारी पॉलिसीज जो हैं लिंक एक्सट्रैक्शन के लिए, ये तो एक पॉलिसी है कि आपने यूआरएल पैटर्न से कुछ इंफॉर्मेशन निकाली। इसके अलावा और भी कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कि आप यूज़ करते हैं कि कोई पर्टिकुलर लिंक को एक्सट्रैक्ट करना है या नहीं। तो वो सारी पॉलिसीज जो है वो हम लिंक एक्सट्रैक्शन पॉलिसीज में डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो नोड सेलेक्टर के साथ एक डाटा एक्सट्रैक्शन पॉलिसी भी होती है। नोड सेलेक्शन को हम डाटा एक्सट्रैक्शन पॉलिसीज भी पास कर रहे होते हैं, फिर नोड सेलेक्टर जो है वो सेलेक्टेड नोड्स को डाटा एक्सट्रैक्टर ब्लॉक के अंदर भेजता है। अब डेटा एक्सट्रैक्शन ब्लॉक के अंदर जो है वो आप ये पॉलिसीज डिफाइन करते हैं कि आपका कौन सा डेटा जो है वो आपका रिक्वायर्ड डेटा है और मीनिंगफुल डेटा है जो सिस्टम आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए। ये सारी पॉलिसीज जो हैं वो डेटा एक्सट्रैक्शन पॉलिसीज में आती हैं। और फिर उसके बाद फाइनली जो डेटा एक्सट्रैक्टर होता है वो डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि वो डेटा को काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर कर लें, और फिर फाइनली वो डेटा जो है वो आपका एक DBMS को भेज दिया जाता है जो कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। इसके बाद दोबारा फोकस करते हैं लिंक एक्सट्रैक्टर की तरफ। लिंक एक्सट्रैक्टर अब लिंक्स तो सारे एक्सट्रैक्ट कर लेता है,
जो कि किसी एक, जब आपने कोई एक HTML डाउनलोड किया और उसको पार्स किया, तो उसके अंदर मौजूद जो सारे लिंक्स थे वो उसने पार्स कर लिए और एक्सट्रैक्ट कर लिए। पर उसके बाद एक स्केजुलर होता है जो कि स्केजुल करता है कि ये पर्टिकुलर लिंक कब डाउनलोड करना है। ये स्केजुलर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम कोई वेबसाइट क्रॉल कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि हम बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है वो विद इन अ फ्यू सेकेंड और विद इन अ सेकेंड वहाँ पर भेजें, उसकी वजह से उन टारगेट वेबसाइट का सिस्टम डाउन होने के चांसेस होते हैं। तो जो रिक्वेस्टिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हैंडल करने के लिए हमें एक स्केड्यूलर चाहिए होता है जो कि डाउनलोडर के साथ कनेक्टेड भी होता है, जो कि ये आपका एक तरह से रिक्वेस्ट और रिस्पांस टाइम है उसको भी देख रहा होता है कि अगर एक टारगेट टारगेट जो जो साइट आप टारगेट कर रहे हैं अगर वो करंटली बहुत फास्ट डेटा सर्व नहीं कर रही, तो आप स्केड्यूलर को थोड़ा डिले दें ताकि वो बहुत ज़्यादा यूआरएल्स हिट ना करें। इन केस अगर वो बहुत ज़्यादा यूआरएल हिट करेगा तो सिस्टम या सर्विस जो है वो डाउन हो सकती है। अब स्केजुलर को जो है वो आपकी एक और चीज़ जो स्केजुलर के अंदर पास हो रही होती है वो आपकी विजिटेड यूआरएल्स की लिस्ट होती है। लिंक एक्सट्रैक्टर जो है वो सारे लिंक्स तो निकाल लेता है बट उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कौन से यूआरएल जो है वो ऑलरेडी विजिट कर चुका है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उसे विजिटेड जो यूआरएल्स होते हैं ऑलरेडी वहाँ से मिलती है, और ये स्केजुलर जो है वो उन लिंक्स को ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देता है। तो ये एक बेसिक सिस्टम है जो कि वेब क्रॉलिंग और स्क्रैपिंग के लिए चाहिए होता है। अब जब हम बात करते हैं वेब स्क्रैपिंग की और हमें हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स क्रॉल करनी होती हैं और बहुत लार्ज स्केल पे डाटा को स्क्रैप करना होता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने होते हैं। इनमें से कुछ चैलेंजेस जो हैं वो प्रोग्रामिंग चैलेंजेस होते हैं और कुछ जो हैं वो स्केलेबिलिटी और मेंटेनेंस चैलेंजेस होते हैं। प्रोग्रामिंग चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ द वेबसाइट्स है। अब वेबसाइट्स जिनको हम क्रॉल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स की ही बात करें तो पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उन सारी वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है, यानी उनके जो वेब कंपोनेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपको मल्टीपल बॉट्स या मल्टीपल प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे होते हैं, यानी आप पहले वेबसाइट को एनालाइज करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो आप सिमिलर स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट्स के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, फिर आप फाइंड करते हैं कि किसी और कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करती हैं। तो इससे प्रॉब्लम जो है वो कुछ हद तक जो है वो सिंपल हो जाता है कि आप कुछ टेम्पलेट्स बना लें जिससे आप मल्टीपल वेबसाइट्स क्रॉल कर सकें। बट अगेन अगर हम बहुत लार्ज स्केल की बात करें तो स्ट्रक्चर्स जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, और आपको वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि आपको हर वेबसाइट के लिए एक डिफरेंट क्रॉलर या एक डिफरेंट बॉट जो है वो प्रोग्राम करना पड़ेगा डेटा स्क्रैप करने के लिए। द सेकंड चैलेंज वी फेस इज ओमनी प्रेजेंस ऑफ एजेक्स एलिमेंट्स। अब एजेक्स एलिमेंट्स जो हैं वो नॉर्मली इंटरेक्शन जब कोई यूज़र कर रहा होता है तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर कर देते हैं, बट स्क्रैपिंग या क्रॉलिंग के लिए ये काफ़ी जो है वो एक तरह से मुश्किल काम होता है क्योंकि जब आप HTML डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर कुछ इंटरेक्शन नहीं होती। लाइक ह्यूमन तो इंटरेक्ट कर सकता है वेब पेज से बट बॉट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होता। अब इसके लिए अगर आप लोगों ने पहले सिलेनियम के ऊपर काम किया हुआ है तो सिलेनियम ये काम कर सकता है, लाइक सिलेनियम कैन इंटरेक्ट विद वेब पेजेस क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट्स को खुद ही रेंडर करके हैंडल करता है। बट
लार्ज स्केल स्क्रैपिंग के अंदर सिलेनियम को यूज़ नहीं किया जाता। दूसरे जो फ्रेमवर्क्स हैं उनके अंदर आपको ये खुद प्रोग्राम करना होता है कि आप जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट्स को किस तरह से हैंडल करेंगे। आपको एक रेंडरर चाहिए होता है जावास्क्रिप्ट के लिए, जो कि एचटीएमएल को रेंडर करके आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देता है। फिर आपको ह्यूमन, जिस तरह ह्यूमन वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करता है, इसी तरह का एक इंटरेक्टिव बॉट डिज़ाइन करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट्स को क्रॉल करने के लिए, जो कि अगेन प्रोग्रामिंग एक बड़ा प्रोग्रामिंग चैलेंज है, क्योंकि इंटरेक्शंस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की होती हैं और आपको ये सारे डिफरेंट केसेस को हैंडल करने के लिए डिफरेंट बॉट्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं। एक और चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो है एंटी स्क्रैपिंग टूल्स। बहुत सारी तो नहीं, बट कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो एंटी स्क्रैपिंग टूल्स भी यूज़ करते हैं। और एंटी स्क्रैपिंग टूल से होता ही है कि आपको आपके पर्टिकुलर बॉट या क्रॉलर के ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। ब्लॉक होने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ साइट्स जो हैं वो अलाउ नहीं करती आपको डेटा स्क्रैप करना, और कुछ साइट्स जो हैं वो आपको डेटा स्क्रैप करना तो अलाउ करती हैं, बट कुछ बॉट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होती है और वो उनके सिस्टम के लिए नुकसानदेह होता है, तो वो उन पर्टिकुलर आईपीज को ब्लॉक कर देते हैं, तो आपके बॉट्स जो हैं वो वहाँ से मज़ीद डेटा क्रॉल नहीं कर पाते। इसका जो एक सोल्यूशन है जो नॉर्मली ज़्यादातर लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं वो मल्टीपल प्रॉक्सीज हैं। लोग डिफरेंट प्रॉक्सीज के साथ जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स को क्रॉल करते हैं। इन केस के अगर कोई एक आईपी ब्लॉक हो भी जाती है तो वो किसी दूसरी प्रॉक्सी से उसको क्रॉल करते हैं। बट गुड प्रैक्टिस ये है कि आप प्रॉक्सीज तो यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ कर लें, बट गुड प्रैक्टिस ये है कि आप जो क्रॉलिंग एथिक्स हैं उनको फॉलो करें, जो कि आपको एक हर वेबसाइट के अंदर एक robots.txt की फाइल होती है जो कि ये बता रही होती है कि आपको कौन से पेजेस जो हैं वो आप क्रॉल कर सकते हैं और कौन से पेजेस अलाउड नहीं है क्रॉल करना। तो उनको फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि वो एक एथिकल वे है क्रॉलिंग का। बाकी अनएथिकल वेज में यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज इट्स अनएथिकल, बट अनएथिकल क्रॉलिंग इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि आप फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। और फिर प्रॉक्सीज को मैनेज करना भी एक काफ़ी बड़ा हेडेक होता है। इसके बाद जो स्केलेबिलिटी और मेंटेनेंस के चैलेंजेस हैं उनके अंदर ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा डेटा आप क्रॉल कर रहे होते हैं तो पहला चैलेंज जो हम फेस कर रहे होते हैं वो डेटाबेस की फ्रेशनेस को मेंटेन करना है। यानी अगर आप हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रेप कर रहे हैं, तो हर वेबसाइट को स्क्रेप करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग टाइम तो रिक्वायर्ड होता है और वहाँ से डेटा आना जो है वो उसको कुछ टाइम लगता है। तो एक तो चैलेंज ये है कि वो डेटा स्टेल हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा यानी डेटाबेस को अपने फ्रेश रखना चाहते हैं तो आप बहुत अपनी क्रॉलिंग फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई कर देते हैं। आप कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि वेबसाइट्स पर डेटा अपडेट करती हैं कुछ दिन के बाद, या कुछ वेबसाइट्स हैं जो वीक के बाद अपडेट करती हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो कि एवरी डे अपना डेटा अपडेट करती हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको किस वेबसाइट को किस फ्रीक्वेंसी से स्क्रेप या क्रॉल करना चाहिए ये आपको डिसाइड करना होता है। और ये एक चैलेंज होता है कि आपको अपने डेटा को स्टेल होने से भी बचाना होता है कि मीनिंगलेस डेटा आपका मीनिंगलेस ना हो। अब जब कुछ आप ऐसी वेबसाइट्स क्रॉल कर रहे होते हैं जहाँ पर डेटा बहुत स्पीड से अपडेट हो रहा होता है तो आपको अपनी स्क्रैपिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है। अब स्क्रैपिंग फ्रीक्वेंसी जब आप बढ़ाते हैं तो आपको बैंडविड्थ की लिमिटेशन होती है और कंप्यूटेशन पावर आपको ज़्यादा चाहिए होती है। अब ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये नॉर्मली फेस किए जाते हैं, बट
जब हम बात करते हैं वेब स्क्रैपिंग की एक लार्ज स्केल पे और हॉट शॉप्सी हैंडल्स दिस प्रॉब्लम. वेल, 22 जुलाई 2022, द बर्थ ऑफ मॉर्फियस. मॉर्फियस इज एन अदर एआई जो कि बेसिकली एक ऑटोनमस ई कॉमर्स वेब क्रॉलर है. ये एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेस्ड मॉडल है और इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो सेल्फ लर्न करता है और इट ब्रेक्स द वेब पेजेस इनटू मीनिंगफुल सेगमेंट्स और फिर उसके बाद हंड्रेड ऑफ वेबसाइट्स को ये पैरेलल में मॉडल कर रहा होता है और वहाँ से थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स पर मिनट ये एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है और ये जो हमारा कोर एआई है एचएनए उसको फीड कर रहा होता है. अब ये सारा डाटा क्रॉल करने के बाद हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स चाहिए होते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं उनमें एक रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं जो कि एक ऑप्शन है और कुछ नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं. अब रिलेशनल डेटाबेसेस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि ये हमेशा वर्टिकली स्क्रॉल करते हैं और यहाँ डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिज़ाइन करना रिलेशनल डेटाबेसेस में एक मुश्किल काम होता है. तो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं वो एक अच्छी चॉइस होते हैं जब आप एक लार्ज स्केल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं. तो हम अब शॉप्सी का जो पीछे शॉप्सी सर्च इंजन जो है उसकी जो की पावर्स हैं वो हम देखते हैं. उसके अंदर ये है कि शॉप्सी जो है वो एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करता है और NLP पावर्ड एक सर्च जो है वो हम शॉप्सी में डिज़ाइन कर चुके हैं जो कि काफ़ी एक्यूरेट है और इसके साथ जो है वो यूज़र के एंगेजमेंट पैटर्न्स होते हैं उनको भी एनालाइज किया जाता है एक्यूरेट सर्च रिजल्ट्स सर्व करने के लिए. अब शॉप्सी सर्च इंजन जो है वो हंड्रेड्स ऑफ कंकरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है और मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को हैंडल कर सकता है. यानी नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं वो दे आर नोन फॉर देयर परफॉर्मेंस और अपने जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैं बहुत हाई नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को वो बहुत ईजीली हैंडल कर सकते हैं और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को वो काफ़ी रोबस्टली हैंडल कर सकते हैं. So that was all about Shopsy search engine. Thank you for joining in. आपके कुछ सवालात हों तो मैं उनके जवाब बेशक दूंगा. थैंक यू सो मच फराज फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और मेरे ख्याल है कि अभी इन्होंने रिसेंटली एक स्क्रैपिंग का असाइनमेंट किया है. सो बेसिकली ये सारे डेटा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं. हुज़ैफ़ा ने मेरे ख्याल आपको कॉन्टेक्स्ट दिया होगा. सो आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी. ओके. सो अभी इन्होंने रिसेंटली एक असाइनमेंट किया था जिसके अंदर इनको मल्टीपल दो वेब्स दी गई थी और बोला था कि एक SKU उठाओ और उसको फॉर एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि दराज से भी स्क्रैप करो और किसी और वेबसाइट से भी स्क्रैप करो एंड दिस मेक अ कंपैरिजन आउट ऑफ इट. तो मैंने ये कहा था कि मैंने इनसे पिछले हफ्ते से वादा किया हुआ था कि एक वेबसाइट है जो ये सारा काम करती है तो आपका असाइनमेंट स्टार्टअप में कैसे चेंज हो सकता है. तो जस्ट उनको इंस्पायर करना था एंड आपने मेरे ख्याल बहुत अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से काम होता है स्केल पे होता है और इंजीनियरिंग क्या बिहाइंड पे. तो इनको सबको समझ में आ रहा है कि मतलब अभी उन्होंने ए सीखा है एंड जेड तक जाने में इनको टाइम है लेकिन अगेन दीज गाइज ऑल हैव द पोटेंशियल टू रीच दैट जेड. या और मेरा ख्याल है किसी का कोई स्पेसिफिक सवाल. मेरा नहीं ख्याल ऑडियंस काफ़ी हद तक क्लियर है एंड दे हैव मेरा ख्याल है अगर सब के सब जो है वो तालियां बजा दें फराज के लिए प्लीज. थैंक यू अगेन. थैंक यू सो मच फराज फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑडियंस बहुत खुश है. सो दे वुड बी कनेक्टिंग टू यू ऑन द लिंक्डइन फॉर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस बट टिल देन सी यू. थैंक यू सो मच. सी यू. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.